ट्रेड सुपर थर्टी की हम शुरुआत करें तो पंजाब की सबसे पहले बात करें। पंजाब के पठानकोट में आतंकी हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है इस पर, और कर्नाटक से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह मीटिंग ली है। बैठक में आपको बताया कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि एनएसए, रक्षा मंत्रालय और खुफिया विभाग के अधिकारी भी शरीक हुए। इस बैठक में ऑपरेशन पठानकोट पर चर्चा हुई। पठानकोट में एयरफोर्स बेस पर आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन अभी भी जारी है। दो आतंकियों के अभी भी छुपे होने की आशंका है और ऑपरेशन में चार आतंकी ढेर हो चुके हैं। इससे पहले आईईडी ब्लास्ट में एक आर्मी अफसर शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। आतंकियों की तलाश 12 किलोमीटर रेडियस वाले इलाके में हो रही है और आतंकी एक इमारत में छुपे हुए हैं। वो इमारत के दोनों तरफ से फायरिंग कर रहे हैं और इसलिए माना जा रहा है कि वो दो हैं। सर्च ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एयरबेस पर हुए हमले के बाद से पूरे पठानकोट में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। आने जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। और पठानकोट में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए शहीद हुए जवानों को पूरा देश नमन कर रहा है। वाराणसी में गंगा घाट पर लोगों ने देश के लिए मर मिटने वाले जवानों को दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। गंगा आरती के दौरान लोगों ने पठानकोट आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को याद किया। पटना में भी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में लोग इस कैंडल मार्च में शामिल हुए। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले पर केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने बताया कि सुबह ऑपरेशन के दौरान दो और आतंकियों के छिपे होने का पता चला था, जिसके बाद आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। गृह सचिव महर्षि ने कहा कि पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट और एयरफोर्स समेत सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से पठानकोट एयरबेस को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि अब तक चार आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जबकि हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत सात जवान हमारे शहीद हुए हैं। हमले में 20 जवान घायल हुए हैं। A group of four persons dressed in army uniforms reportedly violated the car of SP headquarters Gurdaspur. The Air Force has lost six personnel and has eight injured personnel. The NSC has lost Lieutenant Colonel Niranjan EK and has 12 injuries so far. पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट ना होती तो कार्रवाई करने में मुश्किल होती। इंटेलिजेंस के इनपुट होने के बाद भी ये हमला हुआ है, उस बारे में आप क्या कहें? शायद यदि इंटेलिजेंस इनपुट न रहा होता तो इससे भी बड़ा कहीं कोई हादसा हो सकता था। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि असम और बांग्लादेश का जो यह बॉर्डर है, इसमें यहाँ पर भी फेंसिंग में भी कोई गैप होगा तो उस गैप को भी फिलअप करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कि फेंसिंग करना ये बहुत ही कठिन है, फिर भी हम लोग इसकी फिजिबिलिटी स्टडी इस समय करा रहे हैं और पूरी रिपोर्ट मिल जाने के बाद उस संबंध में कार्रवाई करेंगे। पठानकोट हमले की जांच के लिए एनआईए टीम का नेतृत्व आईजी आलोक मित्तल को सौंपा गया। पठानकोट हमले के लिए एनआईए की 8 सदस्यों की जांच टीम बनाई गई है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ से भी आतंकी हमले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। वहीं पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि पठानकोट में पंजाब पुलिस की त्वरित कार्रवाई टीम तैनात की जाएगी। पठानकोट विच असी स्टैबलिश करांगे एक कमांडो बटालियन भी साड़ी पठानकोट विच स्टैबलिश की जाऊगी, सो दैट देयर इज अ क्विक रिस्पॉन्स। वी विल इवन स्टेशन अ स्वॉट टीम, स्पेशल स्वॉट टीम इन पठानकोट डिस्ट्रिक्ट, सो दैट देयर इज अ क्विक रिस्पॉन्स इफ एनी इवेंचुअली हैपेंस इन द फ्यूचर दैट वी कैन टेक क्विक एक्शन। पठानकोट में एयरबेस पर हुए आतंकी हमले की साजिश पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के इशारे पर रची गई। सूत्रों के मुताबिक जनरल राहिल शरीफ पीएम मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात से नाराज थे, इसी वजह से उन्होंने जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को भारत पर हमले के लिए उकसाया। सूत्रों के मुताबिक पठानकोट हमले की साजिश रावलपिंडी में रची गई। इसका मकसद इस्लामाबाद में होने वाली विदेश सचिव स्तर की बैठक को नाकाम करना था। जनरल राहिल शरीफ नवंबर 2013 में पाकिस्तान के सेना प्रमुख बनाए गए। जनरल राहिल शरीफ पाकिस्तान के 15वें सेनाध्यक्ष।
पठानकोट में आतंकी हमले के बाद दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद जैश ए मोहम्मद के आतंकी दिल्ली में तबाही मचाने के लिए घूमने की कोशिश कर सकते हैं। 26 जनवरी के मद्देनजर आतंक मचाने की नीयत से जैश ए मोहम्मद के कुछ आतंकी दिल्ली का रुख करने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की अहम जगहों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस की मांग की गई है। इस बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। पठानकोट में हुए हमले के बाद दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों पर आतंकी हमले की धमकी मिली है। मुंबई के एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। ईमेल में दिल्ली से कानपुर जाने वाली ट्रेन को 72 घंटे के भीतर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद कानपुर जाने वाली सभी ट्रेनों की तलाशी ली जा रही है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि धमकी मिलने के बाद चेकिंग शुरू की गई है और तलाशी अभियान जारी है। जो लखनऊ शताब्दी है वो 6:10 पर न्यू दिल्ली से चलती है और 6:23 पर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस दिल्ली पुलिस के एक आदमी कांस्टेबल ने आकर नई दिल्ली स्टेशन पर बताया था कि इस गाड़ी में किसी सूत्र से उनको बॉम्ब के बारे में पता चला है। इसके अनुसार ही कंट्रोल ने प्लान किया और गाड़ी को गाजियाबाद में रोका गया। गाजियाबाद में ये गाड़ी 6:48 पर आई थी। वहाँ पर सभी पैसेंजर्स को उतार कर सामान की और गाड़ी की पूरी चेकिंग करी गई, जिसमें गवर्नमेंट रेलवे पुलिस गाजियाबाद के लोग थे, यूपी पुलिस के, सिविल पुलिस भी आई थी और आरपीएफ के लोग भी थे। साथ ही डॉग स्क्वाड एंड बम स्क्वाड को भी रखा गया था और पूरी चेकिंग में कुछ नहीं पाया गया। 7:40 पर गाड़ी का क्लियरेंस हमको मिल गया था और 7:52 पर वो आगे चल दी है। और इसी रूट पर एक गाड़ी और जानी थी, नीलांचल एक्सप्रेस, जो 6:30 पर नई दिल्ली से चलती है। उसको 50 मिनट रोका गया था और उसके बाद इसको गाड़ी को चला दिया गया है। बाकी सभी ट्रेन का मूवमेंट नॉर्मल है और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इन्फॉर्मेशन आई थी कि कंट्रोल रूम से कि जो दिल्ली टू कानपुर की ट्रेन है उसमें अगले 72 आवर्स में हम उड़ा देंगे, इस तरह की कॉल थी। तो तमाम हमने जो सिक्योरिटी मेजर्स है वो हमने लिए हैं और ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। हम इसको सभी टाइप के जो सिक्योरिटी ऑफ सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स को ध्यान में रखते हुए तमाम सिक्योरिटी मेजर्स लेंगे। चेकिंग चल रही है, कोई अभी तक तो कोई इस तरह की सस्पिशियस व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नज़र नहीं आया, लेकिन हम जब तक हमारी पूरा सेटिस्फेक्शन होता है हम ये प्रोसेस जारी रखेंगे। पठानकोट में आतंकी हमला होने के बाद भी क्या भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तरीय वार्ता होगी? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज पूर्व विदेश सचिवों और भारतीय उच्चायुक्तों के साथ बैठक की। इस बैठक में एसके लांबाग, जी पार्थसारथी, श्याम सरन, शिवशंकर मेनन, सत्यव्रत पॉल, शरद सबरवाल, जीटीए से राघवन शामिल थे। और आपको बता दें कि 15 जनवरी को इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बैठक होनी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मैसूर यूनिवर्सिटी में 103वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। देश विदेश से आए 500 से ज्यादा वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को रिसर्च और इंजीनियरिंग के लिए 5E का मंत्र दिया। पीएम मोदी के 5E में इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एनर्जी, एम्पैथी और इक्विटी शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि 5E के सिद्धांत पर अगर अमल करने से विज्ञान का प्रभाव और बढ़ जाएगा। और साथ ही 103वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद सशक्तिकरण और अवसरों की एक नई क्रांति शुरुआत की है। इंडियन साइंस कांग्रेस के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की हेलीकॉप्टर बनाने वाली यूनिट का भी उद्घाटन किया। That will encourage innovation and enterprise. We are creating technology incubators in academic institutions and have asked for a framework of scientific audit for scientific departments and institutions in the government. It is with the same spirit of cooperative federalism. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पद्म पुरस्कारों को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए लोग पीछे पड़ जाते हैं। उन्होंने मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख के बारे में भी ऐसा ही बयान दिया। नितिन गडकरी ने कहा कि आशा पारेख पद्म भूषण पाने की उम्मीद में मुंबई में मेरे घर पर पहुंच गई थी और मेरी बिल्डिंग की लिफ्ट खराब थी, फिर भी वो 12 मंजिलें चढ़कर आ गई थी।
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए शुरू की गई ऑड इवन योजना का असली टेस्ट कल यानी सोमवार को होगा। छुट्टियों के बाद सोमवार को पहला वर्किंग डे है। सोमवार को होने वाली भीड़ से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने पूरी योजना तैयार कर ली थी। केजरीवाल सरकार के मंत्री इस योजना में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार को सीएम केजरीवाल, मंत्री गोपाल राय और सत्येंद्र जैन सुबह 10 बजे कारपूल करेंगे। तीनों लोग एक ही गाड़ी से निकलेंगे। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सचिवालय तक साइकिल से जाएंगे। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा बस से सचिवालय तक जाएंगे, जबकि मंत्री इमरान हुसैन ई रिक्शा से सचिवालय तक पहुंचेंगे। डीटीसी की जो बसें हैं, जो पहले टोटल 48 लाख लोगों को ये सेवाएं देती थी, ये कल 64 लाख लोगों को सेवाएं प्रदान करने की क्षमता के साथ सड़क पर उतरेंगी। कल हम लोग 64 लाख लोगों को, अगर वो यात्रा के लिए सड़क पर आते हैं अपनी बस से, हम उनको सुविधा प्रदान करेंगे। इसलिए किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बढ़ते प्रदूषण को लेकर पर्यावरणविद ऑड और इवन फॉर्मूले को लागू करने की वकालत करने लगे हैं। इनका मानना है कि इस तरह से मुंबई में रोजाना लगभग 125 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग सकेगी। साथ ही इनका सुझाव है कि सरकार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में भी इस तरीके के प्रावधान और इससे भी ज्यादा यानी कि प्रभावशाली प्रावधान भी होने चाहिए। कारों पर बहुत बड़ा टैक्स लगना चाहिए, लोगों में ज्यादा प्रबोधन होना चाहिए। दिल्ली सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले की देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चा हो रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी इसे खूब जगह मिल रही है। यहां तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इसका हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने दिल्ली में चल रही इस मुहिम पर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि साइकिल ऑड और इवन दोनों के बराबर है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के साथ ही साइकिल की फोटो डाली। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। नेशनल हेराल्ड को लेकर चल रहे विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। लखनऊ में 21 जनवरी को होने वाली शेयर होल्डर्स की बैठक का कर्मचारियों ने विरोध करने का फैसला लिया है। नेशनल हेराल्ड के शेयर होल्डर्स की बैठक में कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा भी शामिल होंगे। एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी कि AJL एम्प्लॉयज यूनियन के पूर्व महासचिव दिलीप सिन्हा ने कहा है कि कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का कर्मचारी घेराव करेंगे। हेराल्ड के कर्मचारियों ने मामले को कोर्ट ले जाने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को चिट्ठी भी लिखी है। लखनऊ में स्थित नेशनल हेराल्ड का दफ्तर 1999 में बंद कर दिया गया था, लेकिन दिल्ली स्थित हेराल्ड का ब्रांच ऑफिस 2008 तक चलता रहा। इतना ही नहीं, वहां के कर्मचारियों को बकाए का दोगुना भुगतान भी किया गया, लेकिन लखनऊ के कर्मचारियों को कोई पेमेंट नहीं दिया गया। लखनऊ के कर्मचारी भी अपने लिए डबल पेमेंट की मांग कर रहे हैं। आज नेशनल हेराल्ड का मुद्दा जो है चारों तरफ गरमाया हुआ है और मोतीलाल वोरा 21 जनवरी को यहाँ पे लखनऊ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कर रहे हैं, तो मोतीलाल वोरा को यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं करने दी जाएगी। उनका घेराव किया जाएगा, पहले लखनऊ के कर्मचारियों का पूरा बकाया दें। बकाया का मतलब है दिल्ली में डबल पैसा दिया है और हम लोगों को सिंगल पैसा दिया है, उसका भुगतान करें। उसके बाद शेयर होल्डर्स की मीटिंग की जाएगी। हम लोगों ने तय किया है कि 16 तारीख को एक आम सभा करेंगे और 18 से 21 तारीख तक अनशन, धरना, प्रदर्शन और क्रमिक अनशन किया जाएगा। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग नहीं होने दी जाएगी। उत्तराखंड में बीजेपी से निलंबित विधायक भीमलाल आर्य ने चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी। टिहरी के गंसाली से विधायक भीमलाल आर्य ने सीएम हरीश रावत के जूते उतारे। मुख्यमंत्री हरीश रावत बेलंगाना में जगदीशिला मेले में शिरकत करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उतरते ही वहां मौजूद विधायक भीमलाल आर्य से गले मिले। इसके बाद दोनों जगदीशिला देवी के दर्शन के लिए मंदिर के गेट पर पहुंचे। यहां पर विधायक ने पहले पूर्व मुख्यमंत्री के पैर छुए और फिर उनके जूते उतारे। हालांकि इस घटना के बाद भी आर्य ने खुद को बीजेपी का निष्ठावान सिपाही बताया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल से 30 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। इसके तहत 30 लाख से ज्यादा के कैश रिसिप्ट, शेयर की खरीद, म्यूचुअल फंड में निवेश, अचल संपत्ति की खरीद, टर्म डिपॉजिट, फॉरेन करेंसी की बिक्री की जानकारी इनकम टैक्स अथॉरिटी को देनी होगी। इसके साथ ही प्रोफेशनल्स को सेवाओं के बदले 2 लाख से ज्यादा की रकम मिलने पर इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी।
इनकम टैक्स मामले में कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल अब चुकाए गए टैक्स के मुकाबले असेसमेंट में ज्यादा टैक्स बनने पर कंपनियों को पेनल्टी नहीं देनी होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस फैसले से अदालतों ट्रिब्यूनल में चल रहे हजारों विवादित मामले अब खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक 1 अप्रैल 2016 से पहले के सभी मामलों में राहत दी जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले और वित्तीय अधिनियम के नए नियमों के तहत ये छूट दी गई है। आपको बता दें कि कंपनियों को 18.5% की दर से मैट यानी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स चुकाना होता है। वहीं टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने एक बार फिर टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि वो कॉल ड्रॉप को लेकर जारी नियमों का पालन करें। ट्राई के आदेश के मुताबिक कॉल ड्रॉप पर टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों को मुआवजा देना है। ट्राई का ये आदेश 1 जनवरी से लागू है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कंपनियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद ही मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट ने ट्राई के आदेश पर कोई स्टे नहीं लगाया। ट्राई ने कोर्ट में कहा है कि वो अगली सुनवाई यानी कि 6 जनवरी तक कंपनियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ते हैं आगे। बजट को लेकर इंडस्ट्री की डिमांड सामने आने लगी है। इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से अपील की है कि इस बार के बजट में सेविंग्स पर टैक्स छूट की लिमिट 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी जाए। फिलहाल ATC और ATD के तहत किए गए निवेश पर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। इसके अलावा NPS में 50,000 रुपए पर अतिरिक्त टैक्स छूट दी जाती है। अगर टैक्स छूट की सीमा बढ़ती है तो इससे लोग ज्यादा बचत करने पर जोर देंगे। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 25 दिसंबर को खत्म हफ्ते में 94,34,00,000 डॉलर बढ़कर 352.05 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जबकि 18 दिसंबर को खत्म हफ्ते में ये 1.4 अरब डॉलर घटकर 11 हफ्ते से ज्यादा निचले स्तर पर यानी कि 351.11 अरब डॉलर पर गया था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जारी आंकड़ों के मुताबिक 25 दिसंबर को खत्म हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन एसेट्स पहले के 328.27 अरब डॉलर के मुकाबले 92.20 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 329.19 अरब डॉलर पर पहुंच गया। नए साल में आपको राजधानी एक्सप्रेस नए रंग में नजर आएगी। रेलवे राजधानी एक्सप्रेस के इंटीरियर को बदलने की तैयारी में है, जिसके तहत पैसेंजर्स को सफेद की जगह रंगीन बेडरोल दिया जाएगा और इसके साथ ही पर्दे और कोच भी कई रंगों में नजर आएंगे। इसकी डिजाइनिंग बकायदा निफ्ट कर रहा है। रेलवे अपने पैसेंजर्स के लिए रोज 3 लाख बेडरोल्स देती है। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक रंग बिरंगे बेडरोल्स की लागत रेलवे को 30% ज्यादा पड़ेगी। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी से सरकार को इस फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। इससे सरकार के डी इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में संभावित कमी की कुछ हद तक भरपाई हो सकेगी। अगर एक्साइज ड्यूटी हटा दिया जाए तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 39.05 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की 35.06 रुपए प्रति लीटर होगी। दो हजार 2016 में दिल्ली मेट्रो विस्तार करने जा रही है। फेज 3 के तहत दिल्ली मेट्रो NCR में अपने जाल को बढ़ाने जा रही है। 2016 के आखिरी तक करीब 114 किलोमीटर तक मेट्रो अपने नेटवर्क को फैलाव करेगी और साथ ही 18 नए इंटरचेंज स्टेशन भी तैयार होने जा रहे हैं, जिससे NCR में रहने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी और प्रदूषण पर भी रोकथाम हो सकेगी। 2016 के अंत तक 2 नए कॉरिडोर बनने जा रहे हैं। पहला कॉरिडोर 58.6 किलोमीटर लंबा होगा जो मजलिस पार्क से शिव विहार तक जाएगा। वहीं दूसरी लाइन जनकपुरी वेस्ट से बॉटनिकल गार्डन तक का काम 80% पूरा हो गया है। सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है। श्रम मंत्रालय मैटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने पर विचार कर रहा है। साथ ही सरकार सरोगेट मदर को भी मैटरनिटी लीव के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। श्रम मंत्रालय 6.5 महीने की छुट्टी देने को तैयार है। फिलहाल सरकारी महिला कर्मचारियों को 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है। शिया धर्मगुरु अल निम्र को फांसी देने के विरोध में ईरान में सऊदी अरब के दूतावास को आज प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में प्रदर्शनकारी सऊदी अरब के दूतावास में घुस गए और इमारत के एक हिस्से में आग लगा दी। कल ही सऊदी अरब में शिया धर्मगुरु शेख निम्र अल निम्र समेत 47 लोगों को आतंकवाद के आरोप में फांसी पर चढ़ाया गया। जानकारों के मुताबिक शिया धर्मगुरु को फांसी दिए जाने के बाद मध्य एशिया में शिया सुन्नी तनाव बढ़ेगा।
शिया धर्मगुरु की फांसी से नाराज ईरान ने कहा है कि सऊदी अरब को इसकी कीमत चुकानी होगी। शिया धर्मगुरु की फांसी के विरोध में सऊदी अरब के शिया बहुल इलाकों में प्रदर्शन हुए। शेख निम्र अल निम्र की फांसी पर अमेरिका ने कहा है कि इससे क्षेत्र में नस्लीय तनाव बढ़ेगा। सऊदी अरब में शिया धर्मगुरु शेख निम्र अल निम्र समेत 47 लोगों को फांसी दिए जाने का विरोध पूरी दुनिया में हो रहा है। लखनऊ में शिया समुदाय ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। इससे पहले शेख निम्र ने सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों का खुलेआम समर्थन किया था, जो 2011 में देश के पूर्वी प्रांत में हुए थे। पूरी तरीके से गलत हुआ है। सऊदी अरब की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी हुकूमत से तमाम देश जो हैं वो रिश्ते ख़त्म कर दें। सऊदी अरब का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और जिस तरीके से वहाँ 47 लोगों को फांसी दी गई है, बड़े अफसोस की बात है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और शहीद का खून रायगा नहीं जाता है। शहीद का एक एक कतरा खून का जो है वो इसका हिसाब लेगा। और शेर के सामने आते ही किसी को भी डर लग जाए, लेकिन गुजरात के जहानाबाद में कुछ उल्टा ही हुआ। भीड़ को देखकर शेर की घिग्गी बन गई और खुद की जान बचाने के लिए शेर जो है वो समुद्र में जा कूदा। दरअसल गलती से भटकते हुए एक शेर रिहायशी इलाके में घुसाया, लेकिन भीड़ को देखकर ये शेर इतना घबरा गया कि समुद्र किनारे चट्टान पर चला गया। फिर शेर ने दहाड़ मारकर लोगों को भगाने की कोशिश भी की। इसके बाद जब लोग वहां से नहीं हटे तो शेर ने समुद्र में छलांग लगा दी। फिर बाहर निकालकर शेर भीगी बिल्ली की तरह खिसियाता रहा और बाहर निकालने के बाद वहां लोगों पर गुर्राया और कुछ नहीं सूझा तो फिर से पानी में जा कूदा। हालांकि तब तक वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने पानी में ही उसे ट्रैंकुलाइज किया, तब जाकर कहीं शेर को निकाला जा सका। और अगर आपके सामने बाघ आ जाए तो क्या कुछ होगा? कुछ ऐसी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं जो सामने आई नागपुर के टाइगर रिजर्व पार्क से। यहां पर सैलानियों की सांसें तब रुक गईं जब उनके सामने टाइगर आ गया। एकाएक सभी गाड़ियां रुक गईं, सांसें थम गई। सैलानी और रिजर्व पार्क के कर्मचारी देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। एक बार तो बाघ सैलानियों से भरी एक जीप के पास भी आ गया। उस जीप से को मुंह में दबाने की कोशिश की और फिर आगे बढ़ गया। बाघ को अपनी आंखों के आगे देखकर सैलानियों की रोंगटे खड़े हो गए। Thank you.